हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों जो एम्स नर्सिंग का एग्जाम है वो है 8 जून को, एंड हमारे बच्चों को बहुत टाइम से वेट था कि मैम प्लीज एडमिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता दो कि एडमिट कार्ड कब आता है, एडमिट कार्ड की हमें कितनी कॉपीज निकलवा के लेके जानी होती है, प्लस उसके अंदर जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो हम कैसे भरेंगे, हमारा एग्जाम एग्जैक्टली किस टाइम पे होने वाला है, किन किन इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों को एग्जाम टाइम पे फॉलो करना है, हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो बेटा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी यही इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको एडमिट कार्ड को फिल करना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर पे आप लोगों को अपने साथ किन किन चीजों को लेके जाना है, किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल के अंदर आप लोगों को एम्स नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, या जितने भी बीएससी नर्सिंग है, नीट है, इनके रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की सारी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। प्लस हम लोग यहाँ पे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए हमारी डेली लाइव क्लासेस भी चल रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। सो उन क्लासेस को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बेटा कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के अंदर आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो बेटा, आप लोगों का एडमिट कार्ड जब आप उसको पोर्टल से डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा दिख के आएगा। ये मैंने आप लोगों को एक सैंपल यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया है कि आप लोगों ने जो अपना फोटो अपलोड किया है आपका, वो यहाँ पर विजिबल होगा, आपका नेम विजिबल होगा, आपका सेंटर कोड क्या है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका आधार कार्ड विजिबल होगा एंड आपका प्रॉपर एड्रेस विजिबल होगा। आप लोगों का जो एग्जाम है वो 8 जून को होगा, 9 जून को होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या होने वाला है, तो बेटा ध्यान से देखना इसको बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, ये रहता है। आप लोगों को जो एग्जामिनेशन टाइम है आप सबसे पहले उस पर ध्यान दें। आप लोगों को जो एग्जाम है वो 9 से 11 तक होने वाला है, मतलब 2 आवर्स का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि मैम हमारा जो एग्जाम होता है वो कितने आवर्स का होता है। तो बेटा, आपका 2 आवर्स का 120 मिनट का एग्जाम होता है, जिन 120 मिनट्स में आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 9 AM एग्जैक्ट आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आपका सेंटर है एंट्री आपकी क्लोज हो जाएगी 8:30 पे, और रिपोर्टिंग टाइम है आपका 7 AM। तो मैं बोलूंगी हर कोई बच्चा वहां पे एग्जाम सेंटर पे 7:30 बजे तक पहुंच जाना, 7:30 या मैक्स 7:45, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे वहां पे आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसमें भी पूरा टाइम लगेगा। ऐसा मत करना 8:30 पे डेट क्लोजिंग टाइम है, आप 8:25 पे पहुंच रहे हो वहां पे, प्लीज ये वाली चीज मत करना, राइट। अब नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इधर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, एंड आई होप देन आपको इजीली क्लियर दिखेगा। देखो नेक्स्ट, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एज इंडिकेटेड, जैसे आपको दिखाया जाएगा, मतलब जो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा आपको उस पर, अब यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो आप 7:30 7:45 मैक्स तक पहुंच जाओ, ठीक है। एंड शेल बी परमिटेड टू एंट्री आफ्टर द एंट्री क्लोजर टाइम, क्लोज जब आपका 8:30 पे गेट क्लोज हो गया उसके बाद आपको एंट्री अलाउ नहीं होगी। कोई भी कैंडिडेट 2 आवर्स से पहले एग्जामिनेशन हॉल को लीव करके नहीं जा सकता। आपको पेपर नहीं आता है पूरा, 1 घंटे में आपने अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आप लोगों को एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको एग्जैक्टली 2 आवर्स वहां पे सेंटर पे बैठना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल विद द एडमिट कार्ड, सारी इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के दिखाने वाली हूँ। डिक्लेरेशन में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डिक्लेरेशन के अंदर इन्होंने जो चीजें दिखाई हुई हैं आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। देखो, आई एम शोइंग यू दिस, ये देखो अभी रीड कर पा रहे हो आप इसको, करो जरा इसको रीड। डिक्लेरेशन में दे आर सेइंग कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, मैंने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है जो कि एडमिट कार्ड पे दिखाया गया है, एंड मैंने जितना भी कंटेंट है उसको एग्री कर लिया है, समझ लिया है। आल्सो अंडरस्टैंड कि एम्स न्यू दिल्ली डज नॉट डिस्क्लोज क्वेश्चन पेपर, आपको पता है कि एम्स, आप देखो ये एडमिट कार्ड के अंदर एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम आज तक जितने भी एम्स नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं
कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अपना पेपर नहीं डिस्क्लोज करता है। इसीलिए किसी भी चैनल के ऊपर आप लोगों को एग्जैक्ट पीवाईक्यू कभी भी नहीं मिल सकते। अब आप बोलोगे मैम हर चैनल पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं 7 ईयर पीवाईक्यू 10 ईयर पीवाईक्यू, बेटा वो सिर्फ ऐसे रहते हैं कि लेट सपोज कि मेरे को पढ़ाते हुए 3 साल हो गया, तो मैंने थ्री बैचेस के बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चे एग्जाम देते हैं, एग्जाम देके आते हैं, एग्जैक्टली पेपर आके बताते हैं कि मैम बायो से ये क्वेश्चन आया था, फिजिक्स से ये क्वेश्चन आया था। तो व्हाट वी डू कि हम उन्हीं बेसिस पे उन्हीं को नोट डाउन कर लेते हैं, उन्हीं बेसिस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कोड करते हैं। ये हम लोग करते हैं, मतलब हर कोई टीचर हर कोई इंस्टीट्यूट यही करता है इन द केस ऑफ एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। एग्जैक्टली पीवाईक्यूज किसी पे नहीं मिलेंगे जो 100% रियल, राइट, ये लिखा हुआ है एज पर पॉलिसी, जैसी उनकी पॉलिसी है। एंड कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन और ट्रांसमिटिंग देम इन एनी फॉर्म विल बी व्यूड एज अ सीरियस फॉर्म ऑफ माल प्रैक्टिस, ये भी एक क्रिमिनल प्रोसीजर होगा कि अगर आपको कहीं से पेपर मिल जाते एग्जैक्टली, जो कि नहीं मिलने वाला है। आपको अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं, आपको यहाँ पे अपना डेट डेट लिख देना है। अगर कोई PWBD कैंडिडेट है जो कि सिग्नेचर नहीं कर सकता, लिख नहीं सकता, वो अपना यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस में बोलते हैं कि भाई एडमिट कार्ड हैज अ क्लियर प्रिंट ऑफ योर अपलोडेड फोटोग्राफ। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो एडमिट कार्ड है इसके ऊपर जो आपकी फोटो है बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, वो ब्लर है या ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, अजीबो गरीब तो नहीं दिख रही है, वो आपको ध्यान रखना है। एंड आपने जो सिग्नेचर किए हैं डिक्लेरेशन में वो भी क्लियर होने चाहिए। प्रेफरेबली करना कि इस एडमिट कार्ड का आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना। एंड प्लस एक आपको वैलिड फोटो आईडी लेके जानी है अपने साथ। वैलिड फोटो आईडी में आप अपना आधार कार्ड लेके जाना है, ये ध्यान रखना, सब आधार कार्ड लेके जाना। अब इन्होंने दिया हुआ भी किया वैलिड आईडी फोटोग्राफ में आधार कार्ड लेके जा सकता है, आपका पासपोर्ट लेके जा सकते, ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो स्टेट नहीं लेके जानी है, ध्यान रखना। वोटर आईडी आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, 12th क्लास का आपका अगर मार्कशीट है या फिर होल सर्टिफिकेट है वो आप लेके जा सकते हैं जिसके ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आधार कार्ड तो मैंने बचपन में बनवाया था, है ना, तो बचपन की फोटो से मैच कैसे करें? आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप ही का होगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो चल जाता है, उसमें फोटो का कोई पंगा नहीं रहता कि इसमें आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, राइट, ये आ गया। फिर आता है यू विल नॉट बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। बायोमेट्रिक इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट देयर बायोमेट्रिक एंड इरिस हैव बीन कैप्चर्ड बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल, कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में निकलने से पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रॉपर एग्जाम एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ अपने साथ लेना है। एंड एडमिट कार्ड भी जो होता है आई थिंक वो वहीं पे सबमिट हो जाता है आपका, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका ऑल अदर आईडी फोटो इवन इफ अटेस्ट स्कैंड कॉपीज ऑफ आईडी इन मोबाइल नंबर विल नॉट बी कंसीडर्ड, वही स्कैन कॉपी नहीं होगी। एंट्री क्लोज 8:30 पे हो जाए। अब जरा ड्रेस कोड पे देख लो, ड्रेस कोड में सिंपली इन्होंने लिखा है कि आप लोगों के शूज फुटवेयर जिनका बहुत ज्यादा थिक सोल है वो अलाउड नहीं है। आपके ऐसे कोई भी गारमेंट जिनके ऊपर लार्ज बटन है, बड़े बड़े साइज के बटन लगे हुए, प्लीज मत पहन के जाना, वहां पे कोई फैंसी शो नहीं है, बहुत सिंपल सी नॉर्मल टी शर्ट एंड ट्राउजर डाल के जाना, वैसे भी गर्मी है बहुत ज्यादा। डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम, आपको वॉच हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने साथ नहीं लेके जाना, इवन कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाना है। आप लोग अगर अपने साथ कोई भी बैग या कुछ भी चीज लेके जाएंगे तो वहां पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो आपको कोई लोकर मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, सिर्फ एडमिट कार्ड और अपना आईडी प्रूफ लेके जाना और फालतू की चीजें मत लेके जाना। एनी कैंडिडेट अगर कोई भी इंटॉक्सिकेटेड मिला गया तो उसको एग्जामिनेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। एम्स रिजर्व द राइट ऑफ बायोमेट्रिक इरिस एंड अदर मेथड टू कैप्चर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एज पर रिक्वायर्ड एंड या ये सारी की सारी चीजें। और ये बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, ये सब आप लोगों को कहाँ पे फिल करनी है, मतलब जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाओगे ना, आपका कंप्यूटर सीट नंबर क्या है, आपको कौन सी लैब दिया गया है, वो सारा वहीं पे आएगा। इंटरनल यूज है, आपको कुछ नहीं करना है, सब इनविजिलेटर का काम। तो आई थिंक आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे एग्जामिनेशन को लेके, एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि सीबीटी मोड में आप लोगों को एग्जाम कैसे देना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, वन बाय स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। एक सेकेंड होल्ड करना बस। ये देखो I'll show you the screen here.
ये देखो आपको क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है सिंपली NTA.ac.in डाउन कर लेगा इतना। अब इसके बाद आप लोग जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज मैंने एग्जाम सेलेक्ट कर लिया नीट, पेपर आपको देना है बायो का, बायो सेलेक्ट किया, देन स्टार्ट मॉक टेस्ट। यूजर आईडी पासवर्ड कुछ नहीं डालना है, सिंपली लॉग इन पे क्लिक करो। जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करोगे इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि अगर आपका जो बॉक्स है वो बिल्कुल व्हाइट दिखाई देगा इट मीन्स आपने अभी तक क्वेश्चन व्यू ही नहीं किया हुआ है। रेड दिखाई देगा आपने क्वेश्चन व्यू कर लिया है बट अनआंसर छोड़ दिया है। ग्रीन दिखाई देगा आप क्वेश्चन का आंसर कर चुके हो। ब्लू इट मीन्स आपने क्वेश्चन तो देखा है, ठीक है, आप क्वेश्चन व्यू कर चुके हो एंड आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब ये मार्क फॉर रिव्यू ये वाली चीजों का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना है। बाय चांस क्या होता है ना, मेरे सामने कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आई फील कि ये क्वेश्चन मुझे आता है बट आई टेक मोर टाइम, मुझे ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मैं क्या कर देती हूँ कि उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ कि मेरा जो पूरा पेपर फिनिश हो जाएगा, पूरा पेपर फिनिश होने का अगर मेरे पास टाइम बचता है मैं तब इस क्वेश्चन पे टाइम लगाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग, चांसेस इस क्वेश्चन मेरी गलती हो सकती है बट मैं एंड में इसमें टाइम लगाऊंगी, तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो जितने भी मेरे ब्लू मार्किंग वाले क्वेश्चन होंगे ना मेरे एग्जाम के बाद जितना टाइम बचेगा मैं उन सबको ब्लू वालों को चेक कर लूंगी। अगर इस ब्लू के बीच में ग्रीन डॉट आ रहा है इट मीन्स आपने उस क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप चाहते हो कि मैं इस पे थोड़ा और टाइम लगा, वो सोचना चाहता हूँ कि इसका आंसर यही है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करने के लिए, तो आप उसको आंसर करो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। करके दिखाऊंगी मैं अभी ये चीज आपको, ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास इतना डन, अब आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ लिया है, अब मैंने कर दिया यहाँ पे प्रोसीड। अब मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया थर्ड। अब थर्ड आंसर करने के बाद मैं 100% श्योर हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं किस केस में क्या कर रहा हूँ। इस चीज का प्रैक्टिस आप लोगों को हर दिन करना है, इसी वेबसाइट से NTA.NIC.in सेम प्लेटफॉर्म आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा जब आप कंप्यूटर पे बैठे होंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, मैंने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया। हम एग्जाम आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं है, आपके सामने वेबसाइट खुली होगी सब कुछ खुलेगा, आपके सामने बस एक माउस होगा, जैसे मैंने 3 टिक किया ना आपको 3 टिक करना है। अब 3 टिक किया, अब आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन सही है तो आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। आप देख रहे हो साइड में जो बॉक्स है मेरा ग्रीन आ गया, आपको दिख नहीं रहा होगा ना बॉक्स, एक सेकेंड, ये देखो दिख रहा है बॉक्स ग्रीन हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया। चलो ये बॉक्स हमारा इधर ग्रीन हो गया, आई विल मेक माय वीडियो थोड़ा सा छोटा ताकि आपको दिखे, हाँ अब आपको सही दिखेगा, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन तो मार्क कर दिया, अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, 7 नेक्स्ट पे जाना है। 7 नेक्स्ट पे जाने के लिए अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन आ गया ऑलरेडी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया तो मैंने थर्ड कर दिया, बट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि इकोलॉजिकल डायवर्सिटी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बट मैं ज्यादा श्योर सी को लेके आऊँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया मार्क फॉर रिव्यू कर दिया या फिर सेव कर दिया, मतलब मैं हूँ कि चलो 3 मार्क कर देता है, सेव कर दिया, लेकिन मैं बाद में सोचना चाहती हूँ। आप देखो ब्लू और उसके ऊपर ग्रीन डॉट आया नहीं है, आया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है तो मैंने इसको स्किप करके नेक्स्ट चले गए, देखो मेरा रेड आ गया, ये भी क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट रेड आ गया। अब ये क्वेश्चन में इसमें मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इसको सोचूंगी ना बाद में आंसर निकल जाएगा, तो मैं अभी इसका कोई आंसर नहीं लगाया, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया, ये मेरा ब्लू आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने पूरा पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट कर लिया, अब जितने रिव्यू वाले हैं जिनके ऊपर ग्रीन डॉट है मैं पहले उन पे गई, सेकंड क्वेश्चन पे गई, मैंने देखा 3 है, हाँ 3 है, तो मैंने इसको 7 नेक्स्ट कर दिया। अब देखो ब्लू और ग्रीन डॉट वाले से ग्रीन हो गया, अब वो क्वेश्चन सेव हो गया मेरा, हो गया नहीं हो गया। अब मेरा यहाँ पे ब्लू वाला कौन सा क्वेश्चन है, 4th है, 5th है, 5th पे क्लिक किया और इन पॉरीफर स्पंजोसील इज लाइन फ्लेजिलेटेड सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स, तो मेरे को मिल गया आंसर 3, तो मैंने 3 किया और 7 नेक्स्ट। हमेशा आपका आंसर जो होगा 7 नेक्स्ट से ही सेव होगा, ये ध्यान रखना है। और फिर अगर आपने जो अनआंसर छोड़े रेड वाले आप इनको भी एंड में चेक कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपको पेपर सबमिट कर देना, आप देखो ऊपर टाइम दिख रहा है, ऐसे मेरे को यहाँ पे 3 घंटे दिख रहा है बिकॉज नीट का ओपन किया, एम्स नर्सिंग वहां पे आपको 2 घंटे दिखेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। इवन आप लोगों को मैं अपने
अपकमिंग सेशंस में ये चीज भी सिखाऊंगी कि आप लोगों को टाइम मैनेज कैसे करना है, जीके पे कितना टाइम देना है, फिजिक्स पे कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। ऑल क्लियर यहाँ तक? एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड में क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम होना चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो सब मैंने बता दिया। प्लस आप लोगों को ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे देना है वो आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप इसके बाद आप लोगों को कोई इतना ज्यादा क्वेरीज नहीं होना चाहिए। एंड अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लस हम लोगों का एक फ्री मॉक टेस्ट भी चल रहा है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। इफ यू वांट आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट के पीडीएफ्स मिलेंगे। पहले आप लोगों को प्लानर भी वहीं पे मिल जाएगा ऑलरेडी, और उसी प्लानर के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा एक कल हुआ है 19th of May में, अगेन हमारा जो टेस्ट है वो 22th of May में। कोई चार्जेस नहीं है टेस्ट सीरीज के आप लोगों से। प्लस एम्स पैरामेडिकल के लिए हम लोगों का स्पेशली बायोलॉजी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम डेली लाइव क्लासेस में गूगल मीट पे हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे बायो के चैप्टर्स वन शॉट में कवर अप कर रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली एनसीईआरटी लाइन से। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, प्लस बच्चों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले, अगेन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप, ये सिर्फ पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, एम्स नर्सिंग का था बट उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं बिकॉज हमारे पास अभी सिर्फ 15 days बचे हुए हैं, बट पैरामेडिकल में वी हैव इनफ टाइम। तो इफ यू वांट आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं पैरामेडिकल के लिए। अगर आप आरयूएचएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप आरयूएचएस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आरयूएचएस का भी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25th of May से। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे बायो के क्रैश कोर्स में, जिसकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी गूगल मीट पे, मॉर्निंग टाइम रहेगा आप लोगों का गूगल मीट क्लासेस का, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि मैम वी वांट टू ज्वाइन बायोलॉजी क्रैश कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको बाकी की सारी डिटेल्स वहां पे शेयर कर दी जाएंगी। आप लोगों को मैं चार्जेस भी बता देती हूँ हमारी बायो का पूरे मंथ का क्रैश कोर्स का, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी, आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, उसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्लस आप लोगों का जब एग्जाम हो जाएगा एंड आप एक अच्छा रैंक लेके आएंगे, आपको काउंसलिंग भी फ्री मिलेगी। जो मेरी पेड काउंसलिंग होती है वो आप लोगों को फ्री मिलेगी। इसके चार्जेस सिर्फ 299 है। सेम आरयूएचएस के लिए है हमारा 299 rupees में आप लोगों का ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स कवर हो जाएगा। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट आप लोगों को किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।